तो गाइस आज मैं बना रही हूँ साड़ी की लटकन, वो भी घर पे। मेरा दिल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही थी। तो मैंने ऑनलाइन ये मोती ऑर्डर किए थे, छोटे साइज़ के, फिर पर्ल साइज़ के, और साथ में ये रेडीमेड वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की, जो आपको टैसल्स दिख रहे हैं, ये भी ऑर्डर किए थे। तो मैंने शुरू किया लटकन बनाना। सबसे पहले तो जिस कलर की आपकी साड़ी है आप उस कलर का धागा सुई में डाल लो, और उसके बाद आप जो मन में आपकी डिज़ाइन है वो चूज़ कर लो। तो मैंने पहले छोटा मोती लिया, फिर बड़ा मोती लिया, फिर छोटा मोती लिया, और फिर इसके बाद मैंने उसमें टैसल डाल दिया, और टैसल डालने के बाद मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया। तो मेरे को ऐसे वी शेप में चाहिए थे, दो तरफ मोती और नीचे टैसल लग रहा था। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इस डिज़ाइन को प्लिश किया है। जब भी आप ये टैसल्स बनाते हो तो सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मोती आप डालो वो गिन के डालो, याद कर लो, या फिर एक डिज़ाइन पहले फाइनल कर लो, फिर उस डिज़ाइन के रेफरेंस से आप अपने टैसल्स दूसरी तरफ भी डालो। ये जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो, मैं चाहती तो एक सिंगल लाइन लगाती और फिर टैसल लटका देती, वो भी बहुत सुंदर लगता, पर मुझे डबल पर्ल की लाइन चाहिए थी और टैसल चाहिए था। मेरा मन इस दिन ये वाली क्रिएटिविटी करने को किया। इसको आप साड़ी कुच्चू भी बोलते हो, अगर आप तेलुगु लोगों को देखोगे तो उन लोगों की साड़ी में काफ़ी डिज़ाइंस होती है, और जो ये साड़ी के जो टैसल्स होते हैं वो सिंपल से लेके ग्रैंड बहुत महंगे भी बनते हैं। तो ये सब अगर आप कुछ छोटा मोटा अपने आप ही घर पे कर लो तो आपकी काफ़ी सेविंग भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये ना थोड़ा मेंटल पीस भी देता है। आई एम अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव पर्सन, तो मुझे कुछ चीज़ें अपने आप करने में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इट गिव्स मी सम मेंटल एनर्जी एंड हैप्पीनेस और सम अकम्पलिशमेंट कि मैंने अपने लिए, अपने आप, अपने हिसाब से कुछ कर लिया है। तो यू कैन सी द फर्स्ट टैसल इज़ ऑलमोस्ट डन, और आप मुझे बताओ ये कैसा लग रहा था। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, आई वॉज सो एक्साइटेड कि इतना प्यारा मैंने खुद बना लिया, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई डिड ए सारी टैसल। और इसको आप अच्छे से लॉक कर लो, तो दो गांठ यहाँ पर लगा लो ताकि आपका टैसल खुले ना। बी वेरी केयरफुल वेन यू बिल्डिंग ए सारी टैसल, क्योंकि साड़ी का पल्लू या कपड़ा एक बार ख़राब हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। एंड पल्लू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर साड़ी, राइट? इट्स ओपन, एवरीबडी सीज इट, एंड यू स्टाइल योर साड़ी कभी आगे, कभी पीछे, कभी कंधे पे, कभी सर पे, तो बी केयरफुल। उसके बाद मैंने कटर से थ्रेड को कट कर लिया, और ये रहा मेरा फर्स्ट टैसल जो मैंने खुद बनाया। मुझे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये कैसा लगा। फिर मैंने बाकी टैसल पूरी साड़ी में सेम तरीके से लगा लिए, मतलब पूरे पल्लू में लगा लिए, और ये थे मेरे सारे टैसल। जब आप टैसल पल्लू में लगाओ तो स्पेस को काउंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।